100.1 पर। यह है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मनीष और कार्यक्रम है रंग तरंग। रात की इस तन्हाई में कह सकते हैं ये गीत आपके लिए। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब, मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब, आज लौटा हूं तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे,
एकता पाया, हम क्या पाएंगे किसी ने यहाँ क्या पाया। मेरे एहसास मेरे फूल कहीं और चले, बोल पूजा बच्ची कहीं और चले, और चले, और चले। ये महज बात अगर आईने तक सीमित होती तो शायद ये नगमे ये गजल इतनी मकबूलियत हासिल नहीं करते। और यकीन जानिए आज आईना ही नहीं, हम खुद से भी तो अपनी पहली सी सूरत मांगने की बात करते हैं। न जाने कितने एहसासों से हम लबरेज हो जाते हैं जब हम अपनी आंखों को तसव्वुर में बंद करते हैं, और उसके बाद में हम बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें जो कह सकते हैं कि हमने साथ साथ मिलकर कुछ सोचा था, कुछ ख्वाब बिने थे, कुछ खुशियों की बात थी, कुछ गम का फसाना भी था, लेकिन वो जमाना था जब हम एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। और बस वो बात जब भी जहन में आती है तो ना जाने क्यों ये गीत गजल के रूप में बरबस हमारे जहन में होते हुए जुबां पर आ जाती है। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। हर एक अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, कि चाहत में उनकी खुदा को भुला। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, कभी गम की आंधी जिन्हें छू
कयामत पे दीवाने कहते हैं हमसे कयामत पे दीवाने कहते हैं हमसे चलो उनके चेहरे से पर अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे अगर हम आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल नंबर अननोन यानी अपरिचित है फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है ठीक है आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर इसका सर देखो जो कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा जैसे डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है प्रिय उपयोगकर्ता आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं व्हाट्सएप कॉल SMS फ्रॉड लिंक लॉटरी में जीत वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना न जाने क्या क्या इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए याद रखिए साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर यह आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मनीष और कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग बात कुछ गजलों की एहसासों की कुछ दिल से जुड़ी हुई जज्बातों की और इन
जज्बातों के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हमें उसकी वानगी, उसकी छाप इन गजलों में दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है और कई बार हम इनसे खुद को वावस्ता होते हुए पाते हैं। आसमां से उतारा गया, आसमां से उतारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, जिंदगी वो तो बे मौत मारा गया, वो तो बे मौत मारा गया, आसमां से उतारा गया। मुझको साहिल का देख फरेब, मुझको साहिल का देख फरेब, मौत के घाट उतारा। साथ में दिल हमारा गया, साथ में दिल हमारा गया, आसमां से उतारा गया। मौत से भी जो ना मर सका, मौत से भी जो ना मर सका, उसको नजरों से मार आसमां।
जब भी ख्यालों के आंगन में हम खड़े हो जाते हैं, न जाने कितने यादों के बादल हमें भिगो के चले जाते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ देखूं, लेकिन कमबख्त वो वक्त ही हम कहां पाते हैं। मुझे फुर्सत ही कहां मौसम सुहाना देखूं, ये भी कह सकते हैं कि मैं तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं। मैंने कहा ना आपसे कि ये ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया है, जितना कुछ आप सोच सकते हैं आप सोचते चले जाइए और बस एक अंतहीन सिलसिला सा चल निकलता है आपकी यादों का, आपकी ख्वाबों का, और बस ये सिलसिला वहां तक चलता है जहां तक आप चलना चाहते हैं। क्योंकि आज भी गुजरा हुआ जमाना याद आता है, जिनसे मिलने का वादा किया था उनसे बिछड़ना याद आता है, और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ याद आता है। और ऐसे वक्त में एक ही चीज है जो शायद एक लंबी सांस आती है ना, और बस दम कुछ घुट सा जाता है। इन्हीं गुफ्तगू के बीच में बहुत सारे वो ख्याल हमारे जहन में इस वक्त आ रहे हैं जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि भले ही तुम हमसे बातें करो या ना करो, तुम्हारी तस्वीर से हम रोज गुफ्तगू किया करते हैं। साथ बैठकर तुमसे प्यार हो या ना हो, पर बातें तो काफी सारी हो ही जाएंगी ना। ये सारी बातें हम अपने आप से भी करते हैं और ये सारी बातें इस वक्त हम अपने ख्यालों से भी कर रहे हैं। चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे
जाम हो जाए। तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए। शाम हो जाए। कभी तो
आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए। जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, जाम हो जाए, जाम हो जाए, जाम हो जाए। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ, हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत राय। एक मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी गोल्ड पर मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। यह है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप लगातार बने हुए हैं अपने रेडियो दोस्त मनीष के साथ। और बात जज्बातों की, ख्यालातों की बात हम कर रहे हैं आपकी और अपनी। और बहुत सारे शेर जो हमारे जहन में आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारी जहन में आ रही हैं और वो बातें ख्यालों की हैं, ख्वाबों की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त जहन में आ रही हैं। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। आप पहलू में जो बैठे हैं तो संभल कर बैठे, दिले बेताब को आदत है मचल जाने की। दरअसल ये बातें इसलिए कि न जाने कितने ख्याल हमारे जहन में रहते हैं, वो हमारे मूड के हिसाब से स्विंग करते रहते हैं। जब दिल अच्छा हो तो दिल मचलता है और जब दिल अच्छा ना हो तो फिर दिल मायूस सा हो जाता है और इस मायूसी में हम अपने दिल से बातें करते हैं और जब दिल से हम बातें करते हैं तो हम दिल को अलग अलग अंदाज में बुलाते भी हैं और उसको समझाते भी हैं। और बुलाने समझाने की इस कलाकारी में, इस होशियारी में न जाने कितनी बातें हम इससे कर जाते हैं और वाकई इन बातों में हम बहुत सुकून पाते हैं क्योंकि हम इन बातों से ही अपने दिल को हल्का कर पाते हैं। यही तो कैफियत है इन गजलों की, इन नगमों की। Thank you.
ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल। जब मुझे बेशकल की आवाज ने चौंका दिया, कल शब मुझे बेशकल की आवाज ने चौंका दिया, मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयां, ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरा सफर, हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए, अपनी सुना आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल। अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चांद को देखा
देखा था मैंने ख्वाब में मोहसिन मुझे रास आएगी, मोहसिन मुझे रास आएगी, शायद सदा आवारगी ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी आवारगी आवारगी। जैसा मैं आपसे लगातार ये बयां कर रहा हूँ कि ये ख्वाबों और ख्यालों की महफिल है, यहाँ पर जितनी दूर तक आपके ख्वाब और ख्याल जाते हैं उतनी दूर तक आप लगातार चलते चले जाते हैं। किसी के छूट जाने का उसे गम क्यों नहीं होता, तेरा दिल है कि पत्थर है कभी जो नम नहीं होता। परिंदे गुनगुनाते हैं तुम्हारे शहर में, लेकिन हमारे शहर का ऐसा कभी मौसम नहीं होता। बज़ाहिर जुगनुओं की रोशनी से घर तो रोशन है, मगर फिर भी मेरे घर का अंधेरा कम नहीं होता। खुदा से गर तुझे मांगा नहीं होता दुआओं में तुझे खोने का, फिर हमको जरा भी गम नहीं होता। तो मैंने बताया ना आपको कि ये दुनिया ही ऐसी है, जहां तक चाहिए बस चलते चले जाइए किसी की यादों में, या यूं कह सकते हैं कि अपनी ही यादों में अपनी ही बातों में। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई,
मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो फिलहाल रंग तरंग के इस कार्यक्रम में इतना ही, और अपने रेडियो दोस्त मनीष को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। एक छोटा सा वक्फा समाचार का, और उसके पश्चात राखी होंगी आपके साथ में कुछ गीतों को लेकर, कुछ नगमों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ अल्फाजों को लेकर, कुछ जज्बातों को लेकर, बहुत सारी चीजें वो जरूर आपसे शेयर करेंगी। फिलहाल अपने रेडियो दोस्त मनीष को दीजिए इजाजत, शब खैर। This is Akashvani, the news read by Ling Biao.